नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले का भारत था और जिस तरीके से आज का भारत है, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पहले का भारत जवाब तो देता था लेकिन जवाब मुँह तोड़ नहीं होता था, और आज का जो भारत है, नया भारत है, वो किसी भी सवाल के जवाब, किसी भी किए गए कटाक्ष का जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है। और ये बात इस बार भारत ने और भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने साबित कर दी है। आखिर क्या हुआ है, आखिर किसे जवाब दिया गया है भारत के तरफ से, और ये जवाब क्यों दिया गया है, आइए हम इसके बारे में ज़रा विस्तार से समझ लेते हैं। दरअसल मानव अधिकार पर अमेरिका ने भारत को नसीहत दी थी और उसी नसीहत का करारा जवाब भारत के तरफ से दिया गया है, और ये जवाब जयशंकर जी ने दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मानव अधिकार उल्लंघन के आरोपों पर भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को अपने यहाँ मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों की याद दिलाई। 2+2 वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद ही अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मानवाधिकार पर नसीहत देकर भारत को असहज कर दिया। एंटनी ब्लिंकन ने ये कहा कि अमेरिका भारत सरकार पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा मानव अधिकार के हनन के मामलों की निगरानी कर रहा है, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पलटवार करते हुए साफ किया कि अमेरिका को लेकर भी हमारी चिंता भी ठीक उसी तरह ही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता में मानव अधिकारों के मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई है। वह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि अमेरिका पर खुद ही मानव अधिकार के मामलों में उल्लंघन के आरोप है। उन्होंने कहा कि निजी हित लॉबी और वोट बैंक के जरिए अमेरिकी स्थिति संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब भी इस पर चर्चा होगी तो भारत इस पर चुप नहीं रहेगा। मंत्री ने कहा कि अमेरिका सहित मानव अधिकार की स्थिति के बारे में भी भारत के विचार हैं। हम मानव अधिकारों के मुद्दों को उठाते हैं जब देश में उठते हैं, खासकर जब यह हमारे समुदाय से संबंधित होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि लोगों को हमारे बारे में विचार रखने का पूरा पूरा अधिकार है। हम उनकी लॉबी और वोट बैंक के बारे में विचार रखने के भी पूरी तरीके से हकदार हैं। हम मितभाषी नहीं होंगे, हमारे पास अन्य लोगों के मानवाधिकारों का भी विचार है, खासकर जब यह हमारे समुदाय से संबंधित है। दरअसल यूक्रेन में जंग को लेकर भारत ने अब तक तटस्थ की नीति अपनाई हुई है, जिसके बाद अमेरिका दूसरे मसलों को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत झुकने वाला नहीं है। रशिया से हथियार की खरीद, तेल को लेकर भी भारत पर अमेरिका की ओर से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत डटा हुआ है और भारत इस मामले पर किसी की नहीं सुनने वाला। बता दें कि भारत आज के वक्त में विश्व गुरु बनने की कगार पे है, और ऐसे में भारत को साफ तौर पर पता है कि किस तरीके से और क्या सारी चीज़ें की जानी चाहिए। जब यूएसए की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी आई थी, तो इस वक्त आपको बताया कि एनसीपी के जो प्रमुख है शरद पवार की तरफ से बयानबाजी की गई थी। उन्होंने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और वहाँ पर जो है EAM जो है एस जयशंकर भी थे, यहाँ पर मौजूद थे, तो उन्हें जो है जिस तरीके से कमेंट किया गया उनको जवाब देना चाहिए था, उन्होंने जवाब नहीं दिया बल्कि वो चुपचाप रहे। एनसीपी शरद पवार ने यूएस सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन के रिमार्क को लेकर जो है तंज कसा था और कहा था कि उन्हें जवाब देना चाहिए था, और अब जो है भारत के तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इस जवाब को लेकर आपको बताएं कि अब जयशंकर की जो है एस जयशंकर की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके लिखा, उन्होंने एस जयशंकर का जो है लाइन कोट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत को भी जो यूएस में ह्यूमन राइट्स है उसको लेकर उनका भी कंसर्न है। उन्होंने कहा कि आखिरकार किसी ने अमेरिका को प्लेन और सिंपल सच जो है प्लेन और सिंपल तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, ये नया भारत है। उन्होंने कहा कि हम आप पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को लेकर। राजीव मल्होत्रा ने भी लिखा कि खुडोस डॉक्टर एस जयशंकर के लिए, बहुत बढ़िया धमाकेदार ओपनिंग थी। अगला स्टेप होगा इंडिया के कमीशन एनुअल रिपोर्ट यूएस ह्यूमन राइट पर और इसके इंडियोलॉजी सेंटर्स पे। मेरी टीम ने इसे 30 साल से किया है और हम आगे भी मदद करने के लिए तैयार हैं।
साथ ही अमित मालविया की तरफ से भी ट्वीट करके कहा गया कि डॉक्टर एस जयशंकर की प्रेस जो थी एक हीरा की तरह थी, एक जेम थी। हर चीज को छेड़कर उन्होंने भारत को रेफर किया, एक सिविलाइजेशन स्टेट बताया और साथ ही उन्होंने बताया कि सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन है और हम यहाँ पर सिर्फ रिपब्लिक नहीं है, सिर्फ एग्जिस्टेंस में नहीं है, 7 डिकेड से हम एग्जिस्टेंस में है और इसे जो है देखना चाहिए कि हम कैसे हैं और क्या है। तो बता दें कि इसे लेकर लगातार जो है काफ़ी तारीफ की जा रही है। लोग जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने US को मुँह तोड़ जवाब दिया है उसकी लगातार प्रशंसा की जा रही है, लगातार जो कह रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया है USA को, जो कि भारत पे कहीं ना कहीं दूसरे चीज़ों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत ने हमेशा से यूक्रेन और रशिया के वॉर में एक न्यूट्रल जो है स्पॉट रखा, उन्होंने हमेशा न्यूट्रल एक अपना स्टैंड रखा है और इसे लेकर ही बार बार जो है USA कोशिश कर रही है कि भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन ये दबाव वो बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि भारत बहुत ही मजबूती से खड़ा है। बता दें कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि इस सप्ताह भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी। विदेश मंत्री ने कहा कि जब इस पर चर्चा होगी तो नई दिल्ली बोलेस ने पीछे नहीं हटेगी। अपनी अमेरिका यात्रा वे समापन पर जयशंकर ने कहा, इस बैठक में हमने मानवाधिकार के मुद्दों पर चर्चा नहीं की। यह बैठक मुख्य रूप से राजनीतिक सैन्य मामलों पर केंद्रित थी और विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। और एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका भारत में हो रहे कुछ हालिया चिंताजनक घटनाक्रम पर नजर बनाए हैं, जिसमें कुछ सरकारी पुलिस और जेल अधिकारी की मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती हुई घटनाएं शामिल है। पिछले दौरे के दौरान हुई मानवाधिकार के मुद्दे पर बात, एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान मानवाधिकार के मुद्दे पर बात हुई लेकिन अतीत में इस पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि यह विषय पहले सामने आया है, यह तब सामने आया था जब विदेश मंत्री ब्लिंकन भारत आए थे। मुझे लगता है कि अगर आप उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करें तो मैं इस तथ्य को लेकर बेहद मुखर था कि हमने इस मुद्दे पर चर्चा की और मुझे जो कहना था वो मैंने कहा भी है। अब ऐसे में भारत के बारे में राय रखने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, लेकिन यह ध्यान होना चाहिए कि भारत को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अमेरिका में मानवाधिकार के मामले पर हमारी भी नजर है और खास तौर पर भारतीय समुदाय के हितों को लेकर हम चिंतित हैं। अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से मानवाधिकार पर ज्ञान दिए जाने के बाद भारत की यह तीखी टिप्पणी की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीडिया से बात करते हुए अमेरिका पर जोरदार पलटवार किया। यह पहला मौका था जब भारत को अक्सर नसीहत देने वाले अमेरिका को इस तरह के जवाब से फसीहत झेलनी पड़ी है। यूक्रेन और रशिया के मामले में भारत की कूटनीति की दुनिया भर में तारीफ हो रही है और अब इस बीच अमेरिका को भी इसका एहसास कराया गया है। अमेरिका विदेश मंत्री जो है एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में भारत के 2+2 डायलॉग के दौरान मानवाधिकार के मुद्दों को उठाया था। उनका कहना था कि हमारी भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों पर नजर आई है। इस पर मीडिया ने जवाब देते हुए शंकर ने कहा कि हमारी मीटिंग के दौरान इसे लेकर कोई बात नहीं, हमारे बारे में लोग बात करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम भी उतने ही स्वतंत्र है कि हमें उनके विचारों हितों और लॉबी के बारे में बात करें, इसके आधार पर वो बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इस बारे में बात करने से हिचकेंगे नहीं। विदेश मंत्री अजय शंकर ने कहा कि खासतौर पर जब भारतीय समुदाय के अमेरिका में मानवाधिकारों की बात आएगी तो हम चुप नहीं रहेंगे, जैसा कल की घटना में हुआ था। बता दें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सिख समुदाय के 2 लोगों पर अटैक हुआ, बीते 10 दिनों में यह दूसरी घटना थी। इससे पहले एक बुजुर्ग सिख व्यक्ति पर हमला हुआ था। इस तरह जयशंकर ने उदाहरण के साथ अमेरिका को करारा जवाब दिया। अमेरिका को भारत के यहाँ कड़ा रिएक्शन ऐसे वक्त में मिला है जब वो लगातार यूक्रेन के मसले पर साथ देने की मांग कर रहा है। इससे पहले हथियार और तेल की खरीद पर भी अमेरिका और यूरोपियन देशों के जयशंकर खरी खरी सुना चुके हैं। रूस से तेल की खरीद पर भी सवाल उठे थे और उस वक्त भी जयशंकर ने साफ किया था कि मैं एक तथ्य पर ध्यान दूंगा कि भारत जितना तेल रूस से 1 महीने में लेता है उतना तो यूरोपियन देश में एक दोपहर में खरीद लेते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो है जिस तरीके से एस जयशंकर ने USA को करारा जवाब दिया, उसके बाद से उनकी जमकर तारीफ हो रही है। एक लेखक राजीव मल्होत्रा ने तो जयशंकर की जमकर तारीफ की और यही नहीं, अमेरिका के मानवाधिकारों की स्थिति पर सालाना रिपोर्ट भी पेश करने का सुझाव दे दिया है। अब ऐसे में इसे लेकर और क्या कुछ बयानबाजी की जाती है, क्या कुछ अपडेट आता है, इसके साथ भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।